अभी सब सोए थे और एकदम से आवाज आई, कुत्ते चले गए हैं, तेंदुआ आ गया है। वो आवाज किसकी थी भाई? बकरी की? ओहो, बकरे का गर्दन पकड़ दिया दोस्तों तेंदुआ ने। ओहो दोस्तों, खून निकल रहा है इसके मुंह से। यही पकड़ा था इसको? हाँ चलो यही पकड़ते हैं ऐसे कुत्तों ने। ये देखिए दोस्तों इनका बड़ा कुत्ता, ये देखिए अकेला ही दौड़ गया। तेंदुआ था ना ये? हाँ। भाई बेफिक्र लगे सोने, क्योंकि डेरे में बड़े बड़े चार कुत्ते घूम रहे हैं, अब वो संभालेंगे तेंदुओं को। तो मैं भी सो जाता हूँ यहाँ पे, अभी साथ में मेरे छोटा सा पप्पी सोया है। देखिए The next morning, यहाँ पे मैं सोया था दोस्तों, और देखिए भाई ने पूरा अच्छे से जुगाड़ किया था ताकि ठंड ना लगे, और ठंड नहीं लगी थी मुझे। देखिए सुबह अदरक वाली चाय दी इन्होंने बना के, बाकी भी पी लेते हैं। इसके लिए भाई दूध ले आया अभी बकरी से निकाल के। इसके मुंह के पास और गले में छेद हो गया है तेंदुए के दांतों से, और खून ही खून लगा है। आपको नज़दीक से नहीं दिखा सकता मैं। बाकी ये जो कुत्ते हैं यहाँ पे, देखिए 1, 2, 3 और ये 4, ये रात को रक्षा कर रहे थे इसकी। ये देखिए दोस्तों इनका डॉग, ये निशान कैसे पड़ा भाई? तेंदुए के साथ लड़ के। अच्छा, तेंदुए के साथ लड़ा था? कितना टाइम हो गया इसको? हो गया 1 महीना। 1 महीना दोस्तों, रात को तेंदुए की रेल बना दी थी इसने। बाकी एक वहाँ पे बैठा है अभी, और 2 फीमेल डॉग्स भी हैं। देखिए बाकी सारे डॉग्स यहाँ से चले गए, लेकिन वो जो डॉग है वो इस बकरी को छोड़ के कहीं नहीं जा रहा है, इसके पास ही बैठा हुआ है रात से। मतलब उसको पता है कि वो फिर से आ सकता है, क्योंकि ये बकरी अभी साइड में बिल्कुल, बाकी बकरियाँ ऊपर हैं, तो यही रक्षा कर रहा है उसकी। इनको देखिए दोस्तों कहाँ पे चढ़ गए हैं ये। दो भाई चले गए जंगल में बकरियों को चराने के लिए, एक भाई गए हैं 1.5 किलोमीटर ऊपर मार्केट में सामान लाने के लिए, और मैं यहाँ पे अभी अकेला हूँ। आग बुझ गई थी, आग जलाई, राजमा डाले कुकर में, ये लास्ट सीटी थी, अभी उतार दूँगा कुकर को। बाकी यहाँ पे रात को तेंदुआ भी आया था और मैं अकेला हूँ अभी जंगल में। कुत्ते भी इनके चले गए हैं, बस एक कुत्ता है यहाँ पे, अगर अभी आ गया तो भगा दूंगा मैं उसको। उनको देखिए मस्ती कर रहे हैं वहाँ पे। बाकी कुकर मैंने उतार दिया चूल्हे से, और अभी आग सेक रहा हूँ यहाँ पे। देखिए दोस्तों दूध पीने के बाद अब बकरी के बच्चों को तंग कर रहा है ये। ये देखिए, ओ हो हो, अकेला ये भी क्या करे बेचारा, बोर हो जाता है। भगा दिए इसने यहाँ से। भाई आ गए शॉप से सामान लेके। क्या क्या लाए भाई? चावल, प्याज, नमक। अच्छा, चावल, प्याज, नमक। एक घंटा तो लग गया होगा आपको ना? हाँ एक तो लग गया, रुकना पड़ा है। बकरियाँ भी पहुँच गई डेरे में। भाई अभी तड़का लगा रहे हैं। कौन? और ये डाल रहे हैं अभी प्याज और मिर्च। और ये डाल दी हल्दी थोड़ी सी, और अभी डाल रहे हैं दोस्तों नमक। देखिए भाई यहाँ पे अदरक कूट रहे हैं, देखिए चाय बनाने के लिए। भाई यहाँ पे दूध निकाल रहे हैं, देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये सारा इसी से निकाला? इसको भाई ने दूध डाल दिया बकरी का फ्रेश पीने के लिए। देखिए ये भाई पानी ले आए अभी। भाई कितने दूर से लाए? यही पास से लाए। तो पसीना तो काफी आ गया। वो चढ़ाई है थोड़ी बहुत। अच्छा चढ़ाई है। इसमें देखिए दोस्तों जो टायर से बनवाया आपने, टायर की ट्यूब से, उठ इसको उठा रहे हैं अभी।
बन के रेडी हो गया है और मैं भी खा लेता हूँ अभी खाना। नींबू और हरी मिर्च भी है तो अभी टेस्ट कर लेते हैं। तुम नांगे हो बेटी, मैं हमारा दादा पर दादा हमारा खाई लावता एक बार के दिमाग बैठे थे मुझे यार लावता एक बार कहा कैसे सरिया हम। ये तीन रोटियां बन रही है दोस्तों कुत्तों के लिए, देखिए बड़ी बड़ी। हाँ जी कुत्तों के लिए बन रही है जी ये लंच हो रहा कुत्तों का भी। ना 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 पोपड़ है कि उरे मा दुर्गाड़ दुर्गाड़। ये देखिए दोस्तों इनका डॉग, इसका फेस ही कितना जबरदस्त है और निशान देखिए चेहरे पे। तेंदुए से एक हफ्ते पहले इसकी लड़ाई हुई, कल भी हो जानी थी लेकिन वो भाग गया तेंदुआ। लड़ता रहता है ये। देखिए दोस्तों ऐसे निकालते हैं पानी इससे। ये देखिए पिछली रात को तेंदुआ पड़ गया था, बकरी पकड़ी इन कुत्तों ने, बचा दी बकरी। हाँ जी आज फिर से आएगा क्योंकि उसका शिकार और आने के बाद ये नहीं मानेंगे उसको। ये नहीं मानेंगे? नहीं नहीं नहीं, गारंटी है जी। आप सो जाइए आज, बस बिना टेंशन से ये रात को पूरी रक्षा करेगा। ये आज दिन कोई बास ले लेगा, इस रास्ते से आता है, इस रास्ते से मार करनी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये उसी रास्ते पर रहेगा सोए। 10-12 बार लड़ गया है, बच गया। ये अपने को टच नहीं देते उन्हें। हाँ जी हाँ जी, ये और गाजियों के कुत्ते नहीं है कि अपनी जान मरा देंगे, उसका चीज का रोकने का पता है। जिस 13 साल के बूढ़े डॉग का मैंने व्लॉग शूट किया था वो इन्होंने दिया था ना, आपकी फीमेल डॉग का था। और दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं है उस डॉग के सामने, आप देखो अभी आपको दिख रहा होगा शेर के जैसा था वो बिल्कुल। वो अपनी लाई कहाँ से थी? तिब्बत से। तिब्बत से? जी जी। कौन गया था तिब्बत? तिब्बत एक बंदा है हमारे साथ तो जाता है। ये बोल रहे हैं कि उस नस्ल के कुत्ते अब मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मिल सकते हैं? नहीं जी नहीं मिलेगा। ये बोल रहे हैं नहीं मिलेंगे। वो तो दोस्तों था ही बिल्कुल भयंकर। अप्रैल महीने में मैंने उसका ब्लॉग शूट किया था, तब कुत्तों का जो कोट है बाहर वाला वो झड़ने लगता है, लेकिन उस टाइम भी वो शेर जैसा लग रहा था और 13 साल का था। ये है दोस्तों इनका बड़ा बकरा और इसके बाल देखिए आप कितने लंबे लंबे, डर रहा है अभी ये। मैं आपको बाल दिखाता हूँ, ये देखिए, और इसके सींग भी देखिए, ओह बहुत ही शानदार क्वालिटी का है दोस्तों। छोड़ दो भाई। एक तो यहाँ है, एक जख्म वो है, और एक यहाँ है, एक वहाँ है, और एक यहाँ है, एक यहाँ, और चार निशान नीचे है। चार नीचे है जख्म? हाँ जी, इधर भी है, चार इधर है, ओ चार वहाँ पे भी है। हाँ जी हाँ जी। बहुत बुरी हालत कर दी दोस्तों तेंदुओं ने रात को इसकी। हाँ पूरे मुंह से पकड़ दिया यहाँ से, इस एंगल से ना। अच्छा, पीछे का जो पोजीशन है वो बच गया इसका। हाँ पीछे बच गया सारा। हाँ जी हाँ जी। हॉस्पिटल लेके चलते हैं इसको। तो भाई अब इसको डेरे में लेके जा रहे हैं, देखिए साथ में ये जो पौधे हैं दोस्तों, अगर इनसे गलती से टच हो गया तो इतनी ज़्यादा खारिश होती है कि क्या बताऊँ। कांटे ही कांटे। कोई नहीं बड़े भाई, जब आएगा दोबारा नेक्स्ट टाइम आना डेरे में बैठना, आपने वहाँ आ जाना। कहाँ? बॉर्डर एरिया पे, तिब्बत बॉर्डर पे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपका पास हम बनवा देंगे अपने साथ की ऐसे ऐसे है। डेरे से मैं आ गया और अभी मुझे करीब 2 किलोमीटर ऊपर पहाड़ चढ़ना है। A few inches later. 1.5 घंटा पहले मैं डेरे से निकला था पैदल और ऊपर जब पहुंचा तो मुझे याद आई कि मेरा हेलमेट तो डेरे में भूल गया। उसके बाद दोस्तों उधर उधर से घूम घूम के आया मैं पहाड़ी, और इतना कच्चा रोड था कि इतनी बजरी थी ना, बाइक के दोनों टायर ही गंजे हैं और गिरने वाला था मैं कई जगह, तो बड़ी मुश्किल से पहुँचा यहाँ तक। और यहाँ पर मुझे 2 लड़के मिल गए, साथ में ऊपर डेरा है, लड़का भेजा है मैंने हेलमेट लाने के लिए। अभी शिमला भी जाना है, वहाँ भी काम है, बैंक में, यूनिवर्सिटी में भी, तो आज नहीं हो पाएगा, वो तो कल ही होगा। अब ये भाई ले आए, थैंक यू भाई।